लोग छोटे थे नटराज टॉकीज में हमने आज का अर्जुन मूवी देखी थी। आज का अर्जुन मूवी में मेरे ख्याल से अमृत पुरी का नाम ठाकुर भूपेंद्र सिंह रहता है। तो आखिरी में जब अमिताभ बच्चन मारता है तो मैं सोचा था इनके पास बैठना पड़ेगा, भैया क्यों भूपेंद्र को मार रहा है। बहुत छोटा था उस टाइम पे। मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई के एक छोटे से गांव से मशहूर टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचे भूपेंद्र चौधरी के। खुरई लौटते ही नगर के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फर्स्ट किराए शोरूम यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। बता दें कि खुरई के खैजरा इज्जत गांव के रहने वाले भूपेंद्र चौधरी मशहूर टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर 50 लाख रुपए जीतकर वापस लौटे हैं, जहां उनके खुरई लौटते ही नगर के लोगों और उनके परिजनों सहित मिलने वाले लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते कुछ किस्से सुनाए जो उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने शेयर नहीं किए थे। कुछ उनके मतलब प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को मैं वो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ अप्रैल में जब KVC स्टार्ट होता है तो एक एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया था। तो करीब जून मई एंड में या जून फर्स्ट में हमें कॉल आया था, उस टाइम पे हम अलीराजपुर में थे, हम बाइक चला रहे थे, हमारे साथ में हमारे कलीग थे धर्मेंद्र सूर्यवंशी जी, तो उनने बोला था कि सर आप फ़ोन ले लो, तो उनके कहने पर मैंने फ़ोन लिया। अदरवाइज मैंने तो सोच लिया था मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ फ़ोन। धर्मेंद्र सूर्यवंशी जी का धन्यवाद, तो सक्सेस मिल नहीं सकती है, कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा, जब मैं नाबालिग था जब ही से वो मैं सोच रहा था वहाँ जाना है। अच्छा। है ना, और उसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने वहाँ नहीं बताई थी। हम लोग छोटे थे नटराज टॉकीज में हमने आज का अर्जुन मूवी देखी थी। आज का अर्जुन मूवी में मेरे ख्याल से अमृत पुरी का नाम ठाकुर भूपेंद्र सिंह रहता है। तो आखिरी में जब अमिताभ बच्चन मारता है तो मैं सोचा था इनके पास बैठना पड़ेगा, भैया क्यों भूपेंद्र को मार रहा है। बहुत छोटा था उस टाइम पे। स्टूडेंटों के लिए क्लियर कट मैसेज मेरा कि ये कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। बिना लगातार प्रयत्न के, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। और जैसा मेरा नेचर है कि दिन भर में किसी से भी मिलूं, कहीं भी कुछ भी करूं, कुछ कुछ टॉपिक जो रहते हैं वो मेरे दिमाग में क्लिक कर जाते हैं, जब तक मैं उनके बारे में पूरा जान ना लूं जब तक मैं सोता नहीं हूं। चाहे गूगल पढ़ूं या कुछ और आर्टिकल पढ़ूं जो कई बार दूसरी लैंग्वेज में मिलते हैं तो उनको ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, बट पूरा का पूरा पढ़ता हूं मैं, कोशिश करता हूं। आदमी हर चीज़ तो जान नहीं सकता है, बट जितना ज्ञान इकट्ठा कर पाऊँ वो मैं करता हूँ। खुरई से लाखन सिंह, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।